अपने राज्य वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को वहीं पर रोजगार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस मामले में कहा, एबीपी अनकट के कायदा कानून के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर बदहाल फिर रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लिया था और 28 मई को कई निर्देश जारी किए थे, जैसे कि मजदूरों को वापस ले जाने के लिए रेलवे या राज्य सरकार की बसें कोई किराया उनसे न वसूलें। तब लोगों ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते लेते आदेश देते देते काफी देर कर दी, लेकिन कायदा कानून के उस दिन के एपिसोड में मैंने कहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत का किसी मामले पर संज्ञान लेना बहुत बड़ी बात होती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है मजदूरों को उनके घर वापस भेजने का, उसमें तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा ही हुआ शुक्रवार को जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने तमाम आंकड़े पेश किए जिससे ये पता चला कि अब तक पूरे देश में 4,200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है और सड़क मार्ग से भी दोनों तरीकों से 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जा चुका है। राज्य सरकारों ने भी आंकड़े पेश किए। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि अब तक 11 लाख मजदूरों को वापस भेजा जा चुका है राज्य से। गुजरात सरकार ने बताया कि 20 लाख 50 हजार मजदूरों को वापस भेजा गया है गुजरात से। यूपी सरकार और बिहार सरकार ने भी आंकड़े दिए। उन्होंने बताया कि यूपी ने बताया कि करीब 26 लाख मजदूर अब तक लौटे हैं राज्य में। बिहार ने बताया कि करीब 28 लाख मजदूर लौटे हैं। तमाम राज्यों ने ये आंकड़े दिए कि कितने मजदूर उनके यहां से वापस गए हैं और कितने मजदूर वापस आए हैं। इन आंकड़ों से जो बात निकल कर आई वो ये कि अब तक करीब 90% मजदूर जो कि अपने गांव वापस लौटना चाहते थे, अपने राज्य वापस लौटना चाहते थे, उन्हें वापस भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आंकड़ों पर संतोष जताया और कहा कि जो मजदूर रह गए हैं जिन्हें अब तक नहीं भेजा गया है, एक तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल की जाए ताकि जो गरीब मजदूर हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, उन्हें रजिस्टर कराने में दिक्कत ना हो अपना नाम वापस जाने के लिए, और साथ ही साथ 15 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, या जितने मजदूर अभी तक रह गए हैं जो अपने गांव या अपने राज्य में वापस नहीं लौट पाए हैं उन्हें 15 दिनों के अंदर वापस भेज दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक और महत्वपूर्ण निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये कि जो मजदूर अपने राज्य में लौट रहे हैं वो जिस राज्य में रहते थे वहां कोई ना कोई रोजगार करते थे, किसी ना किसी काम में लगे थे, लेकिन अपने गांव में लौटने के बाद उनके पास रोजगार नहीं होगा। ऐसे में ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें रोजगार दे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच का कहना था कि गांव के स्तर पर सबको पता होता है कि कौन लोग हैं जो बाहर से लौटे हैं। ये आंकड़े जुटा लेना प्रखंड स्तर के अधिकारी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है कि उसके क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उनमें कौन कौन लोग बाहर से लौट कर आए हैं, तो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए गांव के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, और राज्य सरकार उनको उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार सुलभ कराए, उपलब्ध कराए। बिहार सरकार ने इस पर कहा कि उसने जो 28 लाख लोग लौटे हैं उसमें से 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग भी की है, यानी ये देखा है कि उनके अंदर क्या हुनर है, उनको क्या रोजगार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अच्छी बात है लेकिन ये सभी राज्य सरकारों को करना है और कोई भी प्रवासी मजदूर खाली ना रहे इसका ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तमाम बातें कही हैं वो टिप्पणी की शक्ल में है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान औपचारिक और विस्तृत आदेश मंगलवार को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र, राज्य सरकार और सभी याचिकाकर्ता जो थे उनके सुझावों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और कहा है कि मंगलवार 9 जून को विस्तृत आदेश दिया जाएगा, तो उस दिन ये साफ हो जाएगा कि जो मजदूर अपने गांव जाने से अब भी रह गए हैं उनकी सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह का आदेश देता है, साथ ही साथ जो मजदूर अपने गांव पहुंच गए हैं वहां भी उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में क्या जिम्मेदारी तय करता है राज्य सरकारों की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।